साथियों, महाराष्ट्र ने लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता का दौर देखा है और मैं तो चाहूंगा महाराष्ट्र में जो ये महायुति है हमारी, वो मजबूती के साथ ऐसे आगे बढ़े, ऐसे आगे बढ़े। आज जो तुम्हें सांगता है कि उद्धव ठाकरे ने बाळासाहेबांचे विचार सोडले, उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व सोडलं, मोदी जी चाहते कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। चेहरा, चैलेंज या चमत्कार, महाराष्ट्र के चुनाव का क्या है आधार? दो चरण के चुनाव हो चुके हैं, तीन बाकी हैं। कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा हावी है? मोदी मैजिक, रामलहर या सहानुभूति कार्ड? कौन से मुद्दे के बूते मोदी जीत की हैट्रिक लगाएंगे? कौन से मुद्दे के बूते पवार पावर दिखाएंगे और कैसे उद्धव ठाकरे खोई जमीन वापस पाएंगे? जंग 48 सीट की है, लेकिन एपिसेंटर राजधानी मुंबई की ये 6 सीट हैं। यहां हर सीट का अपना समीकरण है, हर सीट पर मुकाबला दिलचस्प है, हर सीट पर 24 के विजय की हवा अलग अलग दिशा में बह रही है, जिसका इंपैक्ट सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि ऑल इंडिया लेवल तक है। और इस बार यहां की सबसे हॉट सीट है उत्तर मुंबई, जहां से बीजेपी के कैंडिडेट हैं केंद्रीय मंत्री और कद्दावर नेता पीयूष गोयल, और उनका मुकाबला कांग्रेस के भूषण पाटिल से है। अहम बात यह है कि यहां बीजेपी ने दो बार के सांसद रहे गोपाल शेट्टी का टिकट काटकर पीयूष गोयल को उम्मीदवार बनाया, और यहां आते ही पीयूष गोयल ने वादा किया उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाएंगे। क्या मुद्दे होंगे, क्योंकि विपक्ष कांग्रेस जो है आपको बड़े मुद्दों पर घेर रहा है कि हम आरक्षण भी खत्म कर देंगे, पीयूष गोयल का सफाया कर देंगे, भाजपा को भी हटा देंगे, 200 के नीचे लाएंगे। घेरने की कोशिश जरूर कर रहे हैं पर पूरी तरीके से विफल हो रहे हैं। आज देश में जो प्यार, जो आशीर्वाद, जो समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है वो ऐतिहासिक है, और मेरा पूरा मानना है कि 400 से अधिक सीटें देश में और महाराष्ट्र की लगभग सभी सीटें प्रधानमंत्री मोदी जी की झोली में डालने का काम भारत और महाराष्ट्र की जनता करने जा रही है। आपको बता दें कि उत्तर मुंबई में 47% मराठी, 20% मुस्लिम और 13% गुजराती और मारवाड़ी वोटर हैं। बीजेपी को उम्मीद है मराठी और गुजराती वोट के साथ कुछ और समुदाय के वोट मिलेंगे और जीत 2019 से भी बड़ी होगी। कहते हैं कि मुंबई की 6 सीटों पर जिसका दांव सटीक बैठता है, जो मुंबई के वोटर्स की चॉइस को भांप पाता है, वही महाराष्ट्र की 48 सीटों पर राज करता है, जिसका असर दिल्ली तक देखने को मिलता है। ऐसे में सवाल है कि इस लोकसभा चुनाव में मुंबई में किसकी लहर है? क्या राम मंदिर भी मुंबई में मुद्दा है या सहानुभूति के सहारे विपक्ष खेल कर देगा? मोदी बनाम विपक्ष में जनता किसके साथ है? इन सब सवालों के जवाब डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए मुंबई की जनता के लिए कौन से मुद्दे सबसे अहम हैं। मुंबई की महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोगों की राय क्या है, आखिर ये लहर मोदी की तरफ है या फिर विपक्ष की तरफ है, ये जानने के लिए टाइम्स ऑफ भारत की टीम पहुंच चुकी है मुंबई के दादर इलाके में, और दादर के लोगों से जानेंगे कि आखिर उनकी बात क्या है। दादर इसलिए भी मशहूर है क्योंकि यहां पर हिंदुत्व का गढ़ माना जाता है, सिद्धिविनायक मंदिर जो है विश्व प्रसिद्ध वो यहां पर आता है, और इसीलिए यहां की हर एक जगह जो महाराष्ट्र की राजनीति है उस पर बड़ा इम्पैक्ट करती है। लोग मुंबई में खासतौर पर पूरे देश भर के कोने से आते हैं। मैं आप लोगों से सवाल लूं, आप लोग दादर के रहने वाले हैं, हिंदुत्ववादी सोच यहाँ पर बड़ी प्रभावी रहती है, विकास भी दादर में लगभग अच्छे स्तर पर आगे चल रहा है, लहर किसकी है, मोदी की है या विपक्ष की है, आप किसकी तरफ हैं? लहर तो मोदी जी की है मैडम, क्योंकि मोदी जी ने 10-12 साल में इतना काम किया है और उन्होंने जो काम बताया वो करके दिखाया है। 370 कलम हो, ये राम मंदिर का मुद्दा हो, हेल्थ के बारे में हो, हर चीज हर क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। दादर के लोगों के लिए राम मंदिर का मुद्दा कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है?
राम मंदिर का मुद्दा है कि हम हिंदू है, हिंदू आदित है, और मोदी जी जो है काम करते हैं वो हिंदू या मुसलमान हर एक चीज हर एक के लिए एक ही समान काम करता है। काम करने का टाइम में वो हिंदू या मुसलमान है वो सब नहीं देखते मोदी जी। युवा के तौर पर आपके क्या मुद्दे होंगे, क्या मंदिर कोई मुद्दा होना चाहिए आपके हिसाब से? सबसे पहली बात, ये चुनाव जो है लोकसभा का चुनाव है, जनता समझदार है, और इसमें कैसा है कि जो भी 2019 को पंतप्रधान जी ने जो भी अपने मैनिफेस्टो में जो दिया था वो ऑलमोस्ट सब पूरा किया हुआ है, जबकि उन्होंने अभी दिया हुआ है जाहिरनामा जो भी है 370 होवे, CAA का होवे, या राम मंदिर होवे, या समान नागरिक कायदा का जो भी है, मतलब या मुस्लिम लॉ का जो है, विधवा का जो किया हुआ है, तो वो सब जो कंप्लीट उन्होंने मैनिफेस्टो में दिया हुआ किया हुआ है, मतलब इसका सीधा सीधा मतलब है जनता समझदार है और उनको पता होना चाहिए जो बोल रहे हैं वो उन्होंने करके दिखाया हुआ है। बिल्कुल, तो ये आवाज दादर के लोगों की थी, जहां पर उत्तर भारतीय हो या फिर साउथ इंडियन लोग हो या फिर महाराष्ट्र की आम जनता हो, सभी जुड़े हैं और जो मुद्दे हैं वो साफ तौर पर नेशनल इश्यूज हैं, जिसके अंदर CAA हो, NRC का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर विकास का मॉडल हो, और इसीलिए लहर जो है वो मोदी की है लोगों का साफ तौर पर कहना है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई एक चेहरा या कोई एक ऐसी स्कीम नहीं है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, क्योंकि भाजपा ने और मोदी ने जो कहा है वो करके दिखाया है, और इसीलिए यहां की भी हिंदुत्ववादी जो जनता है वो विकास के मॉडल के साथ आगे बढ़ रही है। मुंबई में बड़ा तबका दूसरे प्रदेशों से आकर बसा है, हिंदी भाषियों का मुंबई में दबदबा है, ऐसे में राम मंदिर का मुद्दा चुनाव में जरूर इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन कांग्रेस शायद इसे समझ नहीं पाई। महाराष्ट्र विधानसभा के विपक्ष नेता और वरिष्ठ कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार ने वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम को देशद्रोही करार दिया है, और उनका यह बयान तब सामने आया जब भाजपा ने उज्जवल निकम को मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से उम्मीदवार बनाया। हालांकि चुनावी हवा को भापते हुए वडेट्टीवार ने अपने बयान से यूटर्न ले लिया। मुशरिफ साहब ने जो किताब लिखी उसी का दाखला देकर मैंने बात की थी, और वो सत्य है, उन्होंने किताब में लिखा, किताब पे बंदी नहीं है, और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि हेमंत करकरे का खून ये अतिरेकी के बंदूक से नहीं हुआ है, और इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है, फिर ये बाजू कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखी, ये ऐसे मुस्लिम ने रखा है, वही बात उसी का दखला देकर मैंने कहा है, अगर इस बारे में उनको कुछ खुलासा करना है तो करे, सत्यता बताए। वडेट्टीवार की सफाई अब आई है, लेकिन कांग्रेस नेता का यह बयान पार्टी के लिए पहले ही बैकफायर कर गया। बीजेपी को बैठे बिठाए हिंदुत्व के नाम पर बड़ा मुद्दा मिल गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। उज्जवल निकम को लेकर कांग्रेस की बौखलाहट इसलिए भी लाजमी है क्योंकि जिस मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से बीजेपी ने उन्हें कैंडिडेट बनाया उस सीट पर इस बार कांग्रेस अपनी जीत तय मान रही थी, लेकिन उज्जवल निकम ने कांग्रेस का पूरा खेल बिगाड़ दिया। राजनीति में इस तरह के गंदगी और गंदे आरोप करना यानी आप पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं। देखिए जो अजमल कसाब ने खुद के इकबाली बयान में कह दिया है कि जैसे ही कामा हॉस्पिटल के बाहर हम आए पुलिस की जीप दिखी, हमने गोलीबार किया, 3 पुलिस ऑफिसर गणवेश में थे, यूनिफॉर्म में थे, वो मर चुके थे। अगर ये इकबाली बहन अगर कसाब मानता है, हमारे पास चश्मदीद गवाह है और पाकिस्तान ने भी मान लिया, फिर भी उसके बावजूद आज कांग्रेस वाले इस प्रकार के आरोप कर रहे, क्या कर रहे हैं कांग्रेस वाले जी? कांग्रेस ने बीजेपी के उज्जवल निकम के सामने दलित चेहरा वर्षा गायकवाड़ पर दाव लगाया, लेकिन AIMIM ने वारिस पठान को उतार कर कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट का जातिगत समीकरण देखें तो यह मराठी 34%, मुस्लिम 24%, उत्तर भारतीय 15%, गुजराती, राजस्थानी, दक्षिण भारतीय 20% हैं। हालांकि मुंबई में जातिगत समीकरण के भरोसे चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मुंबई के कई इलाकों में बाहरी लोगों का दबदबा है जो विकास के नाम पर वोट करते हैं। ऐसा ही एक इलाका है मुंबई का धारावी। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती में लोगों के लिए क्या मुद्दे हैं, किस आधार पर लोग वोट करेंगे, ये जानने की कोशिश की हमारी संवाददाता शिवानी मिश्रा ने।
एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या मुद्दे हैं, लहर किसकी चल रही है, ये धारावी के लोगों से जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहां पर राहुल गांधी भी खुद आए, अडानी यहां पर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, भाजपा जो है वो विकास के मुद्दे को धारावी से आगे ले जाना चाहती है। लहर किसकी है ये धारावी की इस मिक्स जनता से जानेंगे जो अलग अलग जाति और समुदायों से आते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय गुप्ता है। संजय जी, उत्तर प्रदेश के हैं आप? हाँ, यूपी से बिलोंग करते हैं। यूपी से बिलोंग करते हैं। धारावी में कितने सालों से रह रहे हैं? धारावी में तो मेरी अभी चौथी पीढ़ी है। चौथी पीढ़ी है तो आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं धारावी वालों के? धारावी का तो मेन मुद्दा है कि धारावी का विकास होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ धारावी के लोगों का भी विकास होना चाहिए। मतलब धारावी के लोगों का जो घर है, हम स्ट्रक्चर के बदले स्ट्रक्चर की मांग करते हैं। मतलब धारावी के लोगों का विकास धारावी में होना चाहिए। आपके हिसाब से किसकी लहर धारावी में चल रही है? धारावी के लोगों के लिए कौन बेहतर है? धारावी के विकास के लिए तो मोदी जी बेहतर है।